गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो टुडे वी आर रीड द थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश, द फॉल्स फ्लाइट. दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन शेख चिल्ली. तो लेट मी स्टार्ट द चैप्टर. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. शेख चिल्ली और उनकी बीवी जो थी वो एक गांव में रहते थे. वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी वाइफ से कहा कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं एक काउ खरीदूंगा. हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ. वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स. तो उसने क्या कहा उसकी वाइफ ने कि मैं काउ को दूध पिलाऊंगी एंड वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स और हमारे पास बहुत सारे क्ले पॉट्स हो जाएंगे. शेख चिल्ली ने कहा यस आई हैव टू गो टू बाय सम. उसने कहा हाँ मुझे भी कुछ खरीदने ही हैं. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स. अगले ही दिन उसकी वाइफ जो है वो कहाँ गई, मार्केट गई और पॉट्स खरीद लाई. पॉट्स मतलब काफी सारे मटके खरीद लाई. शेख चिल्ली आस्क्ड हर व्हाट डिड यू बाय. शेख चिल्ली ने पूछा अपनी वाइफ से कि क्या खरीद कर लाई हो. आई बॉट 5 pots, 1 for milk, 1 for buttermilk, 1 for butter एंड 1 for ghee. किसने बोला, शेख चिल्ली की वाइफ ने बोला कि मैंने 5 मटके खरीदे हैं, एक दूध के लिए, एक मठे के लिए, एक बटर मक्खन के लिए और एक घी के लिए. वॉट इज द 5th one फॉर. शेख चिल्ली ने बोला तो 5वां मटका किस लिए है. दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर. तो उसकी वाइफ ने बोला ये मेरी माँ के लिए कुछ दूध बचा के रखने के लिए है. वॉट कैरी मिल्क टू योर मदर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, हैव यू गॉट माई परमिशन, शाउटेड शेख चिल्ली. शेख चिल्ली ने चिल्लाते हुए कहा कौन सा दूध रखती हो तुम अपनी माँ के लिए, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दैट, कितने समय से तुम ऐसा कर रही हो, क्या तुमने मेरी परमिशन ली है करने से पहले. हिज वाइफ रिटॉर्टेड देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन. उसकी वाइफ ने उसे जवाब दिया कि इसमें आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है. शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब द पॉट्स 1 by 1 एंड स्मैश देम ऑल अगेंस्ट द वॉल्स. अब शेख चिल्ली का जो शक्ल थी वो पूरी गुस्से से लाल हो गई एंड उन्होंने सारे पॉट्स दीवार पर फेंक फेंक कर तोड़ दिए. द वाइफ रिटॉर्टेड आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट, आई विल डू व्हाट आई विश विद एक्स्ट्रा मिल्क. अब उसकी वाइफ ने थोड़ा गुस्से में बोला, किसकी वाइफ ने, शेख चिल्ली की वाइफ ने, कि मैं ही हूं जो दूध पिलाती हूं गाय को और मैं ही केयर करती हूं काउ उसकी, मैं मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं एक्स्ट्रा मिल्क के साथ में. यू फूल आई वर्क एंड स्वीट ऑल डे एंड बाय अ काउ. अब किसने बोला, शेख चिल्ली ने, कि मैं पूरे दिन काम करता हूं तब हमने ये काउ खरीदी है. एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, और तुम ये कीमती दूध अपनी माँ को दे रही हो. रोड द हस्बैंड, किसने चिल्लाया किसके ऊपर, शेख चिल्ली ने उसकी वाइफ के ऊपर. अ नेबर केम टू देयर हाउस, ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड व्हाट्स द मैटर. बगल में जो पड़ोसी थे वो उनके घर में आए और उन्होंने गुस्से से भरे हुए पति से पूछा कि क्या हुआ, क्या मैटर है. Why are you shouting? क्यों चिल्ला रहे हैं आप. This woman is giving away the milk from our cow to her mother. ये औरत दूध ले हमारा दूध लेकर उसकी माँ को दे रही है. The neighbor asked your cow? नेबर ने पूछा, पड़ोसी ने पूछा तुम्हारी cow? Yes, the cow I am going to buy when I have enough money. हाँ वही cow, जब शेख चिल्ली बता रहा है कि वही काउ होगी जब मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तब मैं उसे खरीदूंगा. ओ दैट वन, यू डोंट हैव अ काउ येट डू यू, सेड द नेबर. अभी क्या था, अभी तक उन्होंने काउ खरीदी नहीं थी.
वो सोच रहे थे कि जब हम काउ खरीद लेंगे तब हम ऐसा ऐसा करेंगे, और उसकी वाइफ 5 पॉट्स भी ले आई थी कि इन पॉट्स में मैं ये रखा करूंगी। काउ तो अभी उनपे थी नहीं, अभी तो उनने सिर्फ सोचा था, इमेजिन किया था। एंड यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई, शेक चिल्ली बोलता है कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं खरीदूंगा वो काउ। तो उनके नेबर ने बोला, अच्छा तुम्हारे पास अभी तक काउ नहीं है ना? सेड द नेबर, किसने कहा? पड़ोसी ने।